Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए योग्य प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण यदि ठीक नहीं है तो ज्ञान ठीक नहीं होगा। जैसे हम लोग जाते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास, उसको क्या बताते हैं कि आजकल मुझे ठीक नहीं दिखता। कारण क्या है? जिस प्रमाण से दर्शन हो रहा है उस प्रमाण में कुछ गड़बड़ी हो गई, और इसीलिए यदि प्रमाण योग्य हो तभी जाकर के ज्ञान योग्य होगा, और यदि प्रमाण में गड़बड़ी है तो ज्ञान ठीक नहीं हो सकता। ये तो हो गया बाहर के जगत के बारे में। रूप रंग को देखने के लिए आंखें प्रमाण है, सुनने के लिए कान प्रमाण है, सुख दुख के अनुभव के लिए मन प्रमाण है, समझने के लिए बुद्धि प्रमाण है। लेकिन जो विषय इन इंद्रिय मन बुद्धि के परे है उसके लिए क्या प्रमाण होगा? जिसको ना तो कोई गुणधर्म है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, जिसको ना तो क्रिया के द्वारा निर्माण किया जा सकता है, जो ना तो किसी विशेष प्रकार का अनुभव है। देखो, विशेष प्रकार का अनुभव, सुख दुख, अच्छा बुरा, कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल, अनुभव है लेकिन विशेष प्रकार का। तो जो किसी विशेष प्रकार का अनुभव नहीं है, जो किसी विशेष प्रकार का कंसेप्ट नहीं है, बुद्धि के द्वारा जो हमको ज्ञान होता है वो कंसेप्चुअल ज्ञान होता है। जैसे बच्चों को बताते हैं कंसेप्ट्स, एक छोटी पेंसिल एक लंबी पेंसिल, तो उसको कहते देखो ये नाटी है ये लंबी है, तो बच्चा धीरे धीरे कंसेप्ट सीख लेता है। फिर एक उसके घर में कोई आते हैं तो मम्मी को बताता है, एक आदमी आया और उसके साथ छोटा बच्चा था, ताजा ताजा सीखा है, कहे मम्मी एक नाटा और एक लंबा आया है, क्योंकि उसने सीखा है। तो बुद्धि के द्वारा कंसेप्ट्स को सिखाते हैं, समझते हैं। जो कंसेप्ट नहीं है उसको कैसे जानेंगे? देखो, और फिर अंतिम में जो व्यक्ति अनात्म भाव से ग्रहण नहीं करी जा सकती है उसको कैसे दिखाएंगे, समझेंगे? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम्। जो विषय इंद्रियों के परे है उसके लिए वेद ही प्रमाण है, और यदि हमने इसको स्वीकार नहीं किया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहां अब ये मुख्य विषय शुरू हो जाता है। पहले हमने देखा अधिकारी कौन है, तो अधिकारी के लिए बताया कि जिसका मन शांत है, जो वैराग्य से परिपूर्ण है और जो योग्य प्रकार से विचार कर सकता है। न विचाराद्रुते तत्त्वम ज्ञायते साधु किंचन, विचारा जायते तत्त्वम तत्वा विश्रांति आत्मनि। योग्य विचार करेंगे तभी जा करके हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे और तभी जीवन में विश्रांति होगी। फिर सवाल आता है कैसा विचार करें, को हम कथमयम दोषः संसाराख्य उपागतः, ये संसार नाम का दोष कहाँ से आया है, मैं कौन हूँ।
उसके बाद न्याये नेति परामर्शः विचार इति कथ्यते। तो इसको कहते हैं विचार, जो हमको चार चीजों के बारे में चिंतन करने को लगाता है, ना कि चिंता करने को। तो पहले विचार है कि मैं कौन हूँ, दूसरा विचार है कि ये जगत क्या है, तीसरा विचार है कि भगवान कौन है, और चौथा विचार है आध्यात्मिक साधना माने क्या। इन चारों चीजों को जब हम ग्रहण करते हैं तब हमने विचार की प्रक्रिया में प्रारंभ किया। अब इसके लिए दूसरा बात, ये जो तत्व ज्ञान है अपने स्वरूप का, उसके लिए पहले प्रमाण को निरूपण करना है। प्रमाण क्या है, किस प्रमाण से हम तत्व को जानेंगे? सर्व प्रमाण सत्ता नाम पदम अब्धीर पाम इवम प्रमाण मेके वेह प्रत्यक्षम तदत श्रुणो। अंग्रेजी में कहावत है, द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो देखता है उसके आंखों में सौंदर्य होता है। हम कहीं गए थे वहां हमने इसी को लेकर दूसरा मॉडिफाइड सेंटेंस पढ़ा था, द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बियर होल्डर, नॉट द बीहोल्डर। तो जैसे प्रमाण है वैसे ही दर्शन होगा। तो सर्व प्रमाण सत्यानाम पदम, सभी प्रमाणों की सत्ता किसके कारण है? आंखों की सत्ता मन के कारण, मन की सत्ता बुद्धि के कारण, बुद्धि की सत्ता चेतना के कारण, चेतना की सत्ता चैतन्य के कारण। इसीलिए सर्व प्रमाण सत्ता नाम पदम अब्धि अपाम इव, जैसे समुद्र की सत्ता किसमें है? समुद्र की सत्ता है पानी में। यदि पानी नहीं है तो समुद्र नहीं है। इसी प्रकार से यदि चैतन्य नहीं है तो कोई भी प्रमाण काम नहीं कर सकता। इसीलिए प्रमाणम एकम एव इह प्रत्यक्षम तदत श्रुणो, इसीलिए यही एकमात्र प्रमाण है, केवल शुद्ध चैतन्य। बाकी के जितने भी प्रमाण है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, देखो कभी समझ में नहीं आता, कभी उल्टा समझ में आता है, कभी आधा समझ में आता है, कभी गलत समझ में आता है। बुद्धि तो वही है समझदारी की। उसी प्रकार से सुख दुख, गर्मी के दिनों में उष्णता से दुख होता है और वही गर्मी जाड़े के दिनों में सुख देती है। इसलिए प्रमाणम एक एकम इव इह प्रत्यक्षं तदत श्रुणु। तो प्रत्यक्ष माने अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस, किसी माध्यम से नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्र जो बताते हैं ना, वैराग्य माने क्या? वैराग्य माने अपने इन प्रमाणों के प्रभाव से मुक्त होकर के जो अनुभव है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, अपने होने का जो अनुभव है, इसकी छानबीन यदि हम करें तो पता चलता है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, न ज्ञानेन्द्रिय न कर्मेन्द्रिय न मनः, न फीलिंग है, न विद्मः न बुद्धि है, क्योंकि यह तत्व किसी भी प्रमाण के द्वारा ग्रहण नहीं होता। और इसीलिए जब तक के इन प्रमाणों से हम मुक्त नहीं होंगे, प्रमाणों से मुक्त होना माने क्या? पहले विषयों से मुक्त हो गए तो इंद्रियों को जीत लिया। दूसरी बात, यदि हम ये भावनाओं से मुक्त हो गए, इमोशन से मुक्त हो गए, हमेशा रोते धोते रहना ओ यूजलेस, देखो ये ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग बड़े परेशान करते सबको, 24 घंटे मुंह लटका है, क्या
मैं प्यार करता हूं, अरे छोड़ो यार प्यार, सुखी रहो। आपको पता नहीं हम कितने मारे हैं प्यार के, इन लोगों का प्यार माने हमारे लिए पनिशमेंट होती है। 24 घंटे अटेंशन सीकिंग है, प्यार है प्यार है। तो इंद्रियों से मुक्त हो गए, मन में आए, मन से मुक्त हो गए, बुद्धि में आए, बुद्धि में आने के पश्चात वहां भी मैं उस मैं से मुक्त हो गए। फिर चेतना में आए, चेतना में आए माने समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। जैसे आंखों में आ गए तो रूप रंग के प्रति राग द्वेष नहीं ये समझ में आएगा, मन में आए तो ये समझ में आएगा किसी इंद्रिय के प्रति हमारे अंतकरण में राग द्वेष नहीं है। यदि बुद्धि में आए तो हमको ये समझ में आएगा कि किसी भी अच्छे बुरे अनुभव के प्रति हमारा राग द्वेष नहीं है। यदि चेतना में आए तो पता चलेगा मैं नाम की चिड़िया है ही नहीं। तो चेतना के दृष्टि से देखो तो कोई भी भेद नहीं है कहीं। वही चेतना मनुष्य में प्रकट होती है, वही चेतना गधे में प्रकट होती है, वही चेतना गधे मनुष्य में प्रकट होती है। चेतना में कोई फर्क नहीं है। और यह चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वो चैतन्य सामान्य है। इसीलिए जब तक के हम इंद्रिय, इनके विषय, मन, उसके सुख दुख के अनुभव, बुद्धि, उसमें जो लाभ हानि का अभिमान, इन सब के परे नहीं जाएंगे तब तक के हमको अपने होने का अनुभव नहीं आ सकता। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। सो प्रमाणम अत्र श्रुणु मे प्रत्यक्षम नाम नेतरत्। भगवान राम को बता रहे हैं वशिष्ठ जी देखो अब मैं तुमको प्रमाण बताता हूं, उनका है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा कोई नहीं है। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने ऑब्जेक्टिव नहीं समझना, प्रत्यक्ष माने जिस अनुभूति के लिए किसी अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है उस अनुभूति को कहते हैं प्रत्यक्ष। इस संदर्भ में तो प्रमाणम शुरू में प्रत्यक्ष नाम एतरन अनुभूतिम विना रूप नात्म नात्मनहा च अनुभूयते। माने क्या, अपने स्वरूप का केवल अनुभव ही हो सकता है। इसीलिए हमने आपको जो अंग्रेजी में बताया है Knowing is being and being is knowing। जिस ज्ञान में जानना और होना ये भेद समाप्त हो जाता है उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब ये देखो अपना अनुभव देखो, अभी के अभी अपना होना और अपने होने का भान होना, क्या ये सीक्वेंस में है कि साइमल्टेनियस है? इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। आपने कुछ नहीं किया है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन समाधानम। देखो तिरुपति में जाकर के बाल कटवाएंगे, कितना व्यक्ति बेवकूफ में फंसा हुआ है, अपने को बदलने को तैयार नहीं। एक अंग्रेज लड़की
भारत में आई किसी के भारतीय के साथ शादी करने के लिए, इसलिए आई कि मैं जरा देखती हूँ यहाँ रह करके बम्बई में कि मुझे बम्बई सूट होती है या नहीं, और वो यहाँ रह रही है। अब जो यूरोप में रहा है वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की सोशल अवेयरनेस, और यहाँ आकर के दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कंक्लूजन क्या होगा, मुझे यहाँ सूट नहीं होता। अब तुम शादी बम्बई से करने आई हो कि आदमी से? देखो, और फिर अगली स्टेप, हमने समझो कोई आइस के क्यूब्स लिए, बर्फ के टुकड़े, और उसको एक जार में डाले तो हर एक बर्फ का टुकड़ा कहेगा मुझे कंफर्टेबल नहीं है यहां, बदलो जार को। जार को नहीं बदलते, तुम्हारा पानी होने दो, जहां तुम्हारा पानी हो जाएगा यू विल बी कंफर्टेबल एवरीवेयर। हम लोग अपने आप से कंफर्टेबल नहीं है इसलिए भागते हैं यहां से वहां तक, फिर सिनेमा देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, घूमने जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट एट होम विद अवर सेल्स। देखो संतो, तो यह जो हमारा होना है, माने होने में दोनों आ गया, अस्थि और भाति दोनों, इसीलिए कहते हैं प्रमाणमात्र शून्य में प्रत्यक्षम नावनेतरत् अनुभूतिम विना रूपम न आत्मना च अनुभूयते। तो अपने होने का केवल अनुभव मात्र हो सकता है, तो अनुभव तो सभी हो रहे हैं, लेकिन बाकी के जो अनुभव है और अपने स्वरूप का जो अनुभव है इसमें फर्क क्या है? बाकी के जितने अनुभव है वो प्रमाण सापेक्ष है, प्रमाण के इस अच्छे बुरे होने पर। देखो, इसे कई बार आपको भी होता होगा, समझो हम बहुत थके हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, हेडेक हो रहा है, ऐसे समय आप कुछ पढ़ने को ले लो, कुछ दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि जिस प्रमाण से हम ग्रहण कर रहे हैं वो प्रमाण गड़बड़ है। देखो, एक हमारी पुस्तक है विज्ञान भैरव, उसमें एक पैराग्राफ था जो अम्मा कर रही थी, अब वो है नहीं आजकल, पता नहीं कहाँ गई, तो वो मेरे पास आ गई और कहे स्वामी जी ये जो वाक्य पैराग्राफ है मुझे इसका कुछ अर्थ निकलता ही नहीं। तो मैंने उसको देखा और कहा देखो अम्मा, ये जो पैराग्राफ है ना, ये इस अध्याय के या इस लेक्चर के अंत में आया है। बोले हाँ, अंत में आया है, और जब आप ये काम करने बैठी होगी और थोड़ी समय के बाद थक गई होगी, लेकिन आप दो चार पन्ने पूरे कर ही लेते हैं ना, और फिर जबरदस्ती से बैठी, इसीलिए उसमें से अर्थ तुमको नहीं निकल रहा, फिर मैं फिर से पढ़ता हूँ सुनो। और वही पैराग्राफ मैंने पढ़ा अब, अरे ये तो कितना क्लियर है, तो हमने कुछ नहीं किया। जब अपने प्रमाण में गड़बड़ है तो ज्ञान ठीक नहीं हो सकता, और इसीलिए जब तक के इन प्रमाणों के परे नहीं जाएंगे, देखो प्रमाणों के परे जाना यही आध्यात्मिक साधना है। तो अनुभूतिम विना रूपम न आत्मनः अनुभूयते, नात्मास्य अनुमया राम न च आप्तवचनादिना सर्वदा सर्वथा सर्व सप्रत्यक्ष अनुभूतितः। आत्मा अयम न अनुपमया, इस भगवान को, आत्मा को हम किसी उपमा के द्वारा नहीं बता सकते, भगवान आत्मा ऐसा है, किसी के जैसा नहीं है। देखो, और ये सूक्ष्म विचार जो आता है हमारे शास्त्रों में, एक कहानी हमने कई बार बताई होगी, मनु और शत्रुपा जी दोनों पति पत्नी
उन्होंने 10,000 साल तपस्या करी। देखो आप लोग इतने लकी हैं, इतने साल साथ में नहीं रहना पड़ता। इस लाइफ में छुट्टी करो, अगले बार देख लेंगे। चेंज होना चाहिए ना, नहीं तो वही तमाकू वही चूना। अच्छा 10,000 साल उन्होंने तपस्या करी, उसके बाद भगवान नारायण प्रकट हो गए और मांगा क्या? मनु है ना, मनुष्य है ना, परमात्मा नहीं मांगा। हमको ना आपके जैसा पुत्र होवे। ये पति ने कहा। फिर नारायण भगवान ने पूछा पत्नी को, शतरूपा को, तुमको क्या चाहिए? मेरे पति को जो चाहिए वही मुझे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लड़की चाहिए। देखो पति के हा में हा मिलाना अपमान है ना। हम अलग है, हम भी कमाते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। ये जब तक चलता रहेगा ना तब तक संसार मिटेगा नहीं। समझदारी इसी में है। एक जगह एक शादी हो गई थी, लड़का लड़की मुझे मिलने आए, तो मुझे कहा उस लड़के के माँ ने, स्वामी जी इनको आशीर्वाद और उपदेश करो। हमने कहा देखो उपदेश तो अब नहीं कर सकता मैं, अभी तो मैं प्रार्थना ही कर सकता। उपदेश तो शादी के पहले होता है, बाद में तो प्रार्थना होगी, भगवान निभा लेना। बोले कुछ तो बताइए। हमने कहा ठीक, यानी मैं लड़की को बताऊंगा, बाकी कोई सुनो मत। और मैंने कहा देखो बेटा इसका कान और जबान पकड़ के रखना, जैसा मैंने कहा। तो वो सांस, उसकी सांस खुलने लग गई। स्वामी जी आपने क्या बताया? हमने कहा तुमको किसने बताया सुनने के लिए? मैंने उसको बताया था, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ये क्या बताया आपने? हमने जो बताया बताया, आपको क्या मतलब है? फिर वो लड़की कहती है स्वामी जी मुझे समझाओ इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है, पहली बार उसको इतना बढ़िया खाना खिलाओ कि वो तुम्हारे खाने का गुलाम हो जाए। तो उसकी जबान को पकड़ लिया। और कान को कैसे पकड़ना? कभी कंप्लेन मत करना किसी भी चीज को लेकर के। इन दो चीजों से पति देव कंट्रोल में आते हैं। और पत्नी को कंट्रोल में लाना है तो भूल जाओ। इतने सहज बात है। तो ये आत्मा किसी के जैसा नहीं है। तो मनु जी ने जब कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा देखो यार मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि एक मेवा द्वितीय। फिर मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। कितना फर्क है। ये जो सूक्ष्म बातें होती है ये हमारे बुद्धि में नहीं उतरती, क्योंकि हम स्थूल बुद्धि वाले हैं। तो न आत्मा अस्ति अनुपम अनुमया, उसके बाद दूसरा इसका अर्थ है इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। देखो अनुमान के लिए कार्य कारण की व्यवस्था आवश्यक है। एक जगह की बात है, जो मियां बीबी दोनों बह रहे थे, अब उनको बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद इसको सुनने को आता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कुछ हाथ पे लिया, खटखट किया तो बच्चा उधर देख रहा है, फिर दूसरे हाथ पे लिया उधर कुछ आवाज उधर देख रहा है, माने इसको सुनने को आता है प्रमाण। तो यहां कहते हैं यह आत्मा अनुमान से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि अनुमान के लिए कार्य कारण चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट इज नेसेसरी। जैसे इनके सर में दर्द है, ये है इफेक्ट, कारण क्या है? सर है।
इनको हार्ट अटैक आया है, कारण क्या है? हार्ट है कार्य कारण, लेकिन जो वस्तु कार्य कारण के परे है उसका आप अनुमान कैसे निकालेंगे? देखो, जो वस्तु कार्य के कारण सिद्ध होती है वह कार्य पर अवलंबित है, और जो कार्य निरपेक्ष सत्ता है, माने चाहे आभूषण रहे आभूषण ना रहे, सोना सोना ही है, इसी प्रकार से चाहे जागृत अवस्था रहे ना रहे, सपना रहे ना रहे, सुषुप्ति रहे ना रहे, और समाधि रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जागृत अवस्था है इसीलिए परमात्मा है, नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि देह है इसलिए मैं हूं, नहीं, देह बदल रहा है हम फिर भी है, जब ये देह मर जाएगा फिर भी हम रहेंगे, विश्वास नहीं तो मर के देखो, गारंटी देते हैं आपको, लाइफ टाइम गारंटी। तो यह आत्मा ना तो किसी के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ना तो इसका अनुमान किया जा सकता है, न च आप्तवचनादिना। आप्तवचन माने साधु संतों के, गुरु के, शास्त्र के वचन। देखो, परमात्मा है शास्त्र बताते हैं, इसीलिए है, कोई जरूरत नहीं। अपने होने में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। देखो, एक जगह मिलिट्री के फ्रंट लाइन में काफी लोग मरे, उसके पश्चात वहां के जो ब्रिगेडियर थे, डॉक्टर ब्रिगेडियर गए और देखा सबको मरे हैं, उठा सब मर गए और सबको ट्रक में भरा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जब वो ट्रक जा रहा था, धीरे धीरे झटके खा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, तो उसमें जो सबसे ऊपर शव रखा हुआ था वो धीरे धीरे हिलने लग गया और उठा कि मैं कहाँ हूँ। तो जो संतरी थे उस ट्रक के साथ जाने वाले, उसने कहा, हे तू मरा है, सो जा। बोले, नहीं, मैं तो जिंदा हूं, तुमको ज्यादा समझता है कि ब्रिगेडियर साहब को ज्यादा समझता है? अपने होने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। आगे कहते हैं, नच आप्त वचनादिना, क्योंकि कहते हैं महात्मा कि तुम आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो, वो कहे कि तुम गधे हो तो भी हम परमात्मा है। न च आत्मवचनादिना सर्वदा सर्वथा सर्व सप्रत्यक्ष अनुभूतितः, अपना जो स्वरूप है सर्वदा हर समय सर्वथा हर अवस्था में, परमात्मा को या अपने आप को मैं हूं ये कहना भी गाली है। ये जो सच्चित आनंद कहते हैं, सत इसीलिए कहते हैं कि असत का निराकरण करने के लिए, चित इसीलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए, आनंद इसलिए कहते हैं कि दुख का निराकरण करने के लिए, लेकिन जिसके अभाव की संभावना नहीं है उसको सत कहने की क्या जरूरत है? जिसमें जड़त्व की संभावना नहीं है उसको चित कहने की क्या जरूरत है? और जहां दुख की संभावना नहीं है उसको आनंद कहने की क्या जरूरत है? हो गए ना बोलती बंद? सर्वदा सर्वथा भगवान शंकराचार्य, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः,
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव कोई स्थान विशेष काल विशेष परिस्थिति विशेष की कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए सर्वदा सर्वथा सर्वम स प्रत्यक्ष अनुभूतितः न शास्त्रैर्नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः दृश्यते स्वात्मना एव आत्मा स्वया स्वस्थ स्थया धिया। देखो न शास्त्रै ही ना तो शास्त्रों से आत्मा मिलता है ना गुरुणा गुरु महाराज ने कहा तो सची होगा ना भाई आत्मा हो गई ना गुरुणा और न दृश्यते परमेश्वरः परमात्मा दृश्य शब्द नहीं विषय नहीं है। नहीं तो ये जो गुरु गुरु करके पकड़ने वाले लोग हैं ना ऐसे स्वयं तो परेशान रहते गुरु को भी परेशान कर देते। देखो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए किसी की अपेक्षा न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृतत्वमान जो सबका त्याग करना माने दो प्रकार से या तो सब मिथ्या है जिसको मिथ्या के रूप में ग्रहण करके उसका हमने त्याग कर दिया है या तो सब हम ही है आत्म रूप से हम अपना त्याग कभी कर नहीं सकते इसीलिए पकड़ने की भी जरूरत नहीं है अहेयम अनुपादेयम ना तो इसका त्याग हो सकता है ना तो इसके प्राप्ति की आवश्यकता है। इसीलिए न शास्त्री नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः दृश्यते स्वात्मना एव आत्मना आत्मा स्वया स्वस्थ स्थया धिया। जब हम अपने बुद्धि को शांत कर देते हैं और यह बुद्धि या चित्त या मन जो भी शब्द पकड़ लो जब ये वापस चला जाता है चेतना में और चेतना वापस चली जाती है चैतन्य में बस यही सत्य है बाकी का बाहर का आडंबर है। जब तक के ये अद्वैत के संस्कार दृढ़ नहीं होंगे तब तक के व्यक्ति ये अनेक प्रकार के जो चमत्कार है जो समस्याओं का समाधान होता है किसी को पुत्र नहीं है तो बाबा जी ने कहा था पुत्र हो गया अब उसको चिपक के रहो क्यों पुत्र दिया तुमने तो क्या कबूतर दू कोई जरूरत नहीं वो कबूतर ही है। देखो संतो जहां जहां इच्छा के पूर्ति की बात आती है हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं। इच्छा के पूर्ति के कारण यदि हम किसी को बड़ा समझे तो ये सबसे बड़ी गलती है। जो हमको अपनी इच्छाओं के परे ले जाता है वो हमारा हितेशी है क्योंकि आज तक किसी की भी सभी के सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए यहां कहते हैं दृश्यते आत्मना एव आत्मा हमको अपने आप को ही पहचानना है हमको कोई मदद नहीं कर सकता। तद्विदा तत्पदस्थेन तन्मुक्तेन अनुभूयते अन्य केवल आमनातैः रागमय एव वर्ण्यते तद्विदा तत्पदस्थेन तद्मुक्तेन अनुभूयते। यह जो हमारा स्वरूप है यह हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष डायरेक्टली किसी के उपाधि के या किसी प्रमाण के निरपेक्षता से होता है। इसके लिए नए नए टेक्निक आपको रोज मिल सकते हैं यदि आप इसमें लगे रहो तो। जैसे आप दर्पण के पास जाते हो खड़े हो गए और वहीं आपका ध्यान हो सकता है। जब आप अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो तो आपको दर्पण नहीं दिखेगा। यदि आप दर्पण को देखना शुरू कर दो तो प्रतिबिंब
एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। और यदि आप दर्पण के सामने खड़े हो, ना तो आप प्रतिबिंब को देख रहे हो ना दर्पण को देख रहे हो, लेकिन देखना हो रहा है। सीइंग इज हैपनिंग बट नथिंग इज सीन, तो क्या होगा? बड़ा कठिन है। काहे का कठिन है? क्यों कठिन नहीं है? हियरिंग इज हैपनिंग बट नथिंग इज हर्ड, नींद है ना। देखो संतो, इसलिए अन्य केवलम आत्मना नहीं रागे एव, बाकी के लोग जो है वो बस कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा शास्त्र में कहा है तो मैं तो आत्मा हूंगा ही ना, नहीं तो क्यों शास्त्र कहेंगे। किसी के कहने के कारण हम परमात्मा नहीं है। देखो, हम परमात्मा है इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए शास्त्र कहते हैं। ये योगियों की भाषा है। पहली योगी क्या कहते हैं कि प्राण निकल गए तो आदमी मर जाता है, इसीलिए प्राण ही आत्मा है। उपनिषद कहती है न प्राणे न अपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन, प्राण अपान के कारण मनुष्य जिंदा नहीं रहता। इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन एतो उपाश्रितौ, क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए प्राण अपान चल रहा है। जो हाइबरनेशन में जाते हैं मेंढक, वो कहां मरते हैं? उनका प्राण अपान सब बंद हो जाता है, तो कहां मरते हैं वो? देखो हमारा ध्यान कहां है। और यदि हमारा ध्यान अपने साथ होगा तो जगत के विषय, विषय को ग्रहण करने वाले इंद्रिय, उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख और उसके कारण निर्माण होने वाली व्यक्ति, ये सब का सब खल्लास। इस अनुभव को कैसा भी आप डिस्क्राइब करने का प्रयत्न करो, नहीं हो सकता। इसीलिए आप इस तत्व को बताने के लिए शास्त्रों में क्या टेक्निक अपनाई है, तो कहते हैं ये न इह अनुभूयेर्थे दृष्टे नार्थे न बोधनम बोधोपकार फलदम तम दृष्टाम तम विदुर्बुधाः। इस तत्व को समझाने के लिए शास्त्रों ने दृष्टांत देना प्रारंभ किया है। दृष्टांत का तात्पर्य क्या है? दृष्टांत का तात्पर्य है the unknown is indicated with reference to the known। अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से बताया जाता है। जिसको हमारे न्याय शास्त्र में उदाहरण देते हैं, शाखा चंद्र न्याय, जो द्वितीय का चंद्रमा होता है बहुत बारीक दूज का चांद, और आकाश निरभ्र हो और आपने देखा और किसी को दिखाना चाहते, देखो यार कितनी सुंदर बारीक सी चंद्रकला है, इतना बड़ा आकाश, कहीं भी उंगली दिखाओ तो दिखता ही नहीं, कहाँ है कहाँ है, कोई रेफरेंस है नहीं। तो फिर हम कैसे बताते हैं? देखो तुमने वो पेड़ देखा क्या? क्या मैं अंधा हूँ? अरे यार गुस्सा मत करना, मैं तुमको वो दिखा रहा हूँ, पेड़ देखा? उस पेड़ की जो दाहिनी डाली है वो देखी? हाँ देखी। उस दहने डाली के अंत में दो पत्ते हैं, हाँ देखे। उन पत्तों के बीच में से जाओ ना
यार मुझे वहां ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अरे बेवकूफ आंखों से। तो जहां आप उन दो पत्तों के बीच में से देखना शुरू करेंगे, वहां आपको उस चंद्रकला का दर्शन होगा। तो मालूम क्या था, पेड़ मालूम था, वह दहिनी ब्रांच मालूम थी, दो पत्ते मालूम थे, इनके संदर्भ से जो चंद्रमा की कला दिख नहीं रही थी वो दिखाई, उसको कहते दृष्टांत। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की कहानियां जो आती है शास्त्रों में वो दृष्टांत है। जैसे आप लोग दृष्टांत देते हो ना अपने पत्नी के सौंदर्य को बताने के लिए, तुम्हारा चेहरा एकदम चंद्रमा के जैसा दाग वाला है। इसीलिए दृष्टांत के द्वारा ही बताया जा सकता है। दूसरी मतों की बात, कोई भी दृष्टांत अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जैसा कुछ है ही नहीं। इसको लेकर के हमारे शास्त्रों में दो प्रकार से बताते हैं, एक को कहते हैं अवच्छेदवाद, दूसरे को कहते हैं प्रतिबिंबवाद। ये दोनों को मिला करके थोड़ा थोड़ा समझ में आने की संभावना है। तो यहां बताते हैं कि ये न यह अनुभूय अर्थे दृष्टार्थे न बोधनम बोध उपकार का फलदम, जो हमको समझाने के लिए उपयोगी होगा उसको दृष्टांत कहते हैं। अच्छा महाराज, दृष्टांते न विना राम ना पूर्वोर्थ अवबुध्यते यथा दीपम बिना रात्रो भांडोपस्करणम गृहे। बिना दृष्टांत के यह तत्व लखाया नहीं जा सकता, जैसे किसी अंधकार के कमरे में बर्तन पड़े हो और वहां लाइट नहीं हो तो आप नहीं देख सकते। इसी प्रकार से दृष्टांत के प्रकाश में इस तत्व को लखाया जा सकता है। शास्त्र या दृष्टांत लखाते हैं, दिखाते नहीं। एक उदाहरण आपको दे अपने कठोपनिषद में पहले ही अध्याय के पहले वल्ली के पहले अध्याय में या पहले अध्याय के पहले वल्ली में नचिकेत का चरित्र आता है, और उसमें आप सूक्ष्मता से चिंतन करो, आर्गुमेंट नहीं चिंतन करो। आर्गुमेंट क्या करते हैं, ये नचिकेत यमराज के पास सशरीर गया कि मरने के बाद गया, ये प्रश्न यदि किसी ने पूछा तो आप उपनिषद के अध्ययन के अधिकारी नहीं है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमको ये समझना चाहिए ये किस लिए बताया है। जैसे कई बार पिताजी बच्चे को डांटते हैं या माँ एक आध बार चाटा लगाती है, तो उसके पीछे तात्पर्य क्या है, क्या माँ ने आपको गुस्से से क्रोध से और अपना बुरा कहने के लिए मारा है, नहीं। तात्पर्य क्या है, जो तात्पर्य नहीं समझ सकता ही विल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड। तो कठोपनिषद का तात्पर्य क्या हो गया पहले अध्याय के पहले वल्ली का, वहां नचिकेत का ऐसा वर्णन किया है। वो वर्णन होने के बाद यदि आपको ये पूछना हो कि महाराज ये शास्त्रों के अध्ययन के लिए जैसे नचिकेत को परमात्मा का दर्शन हो गया था, वैसा दर्शन हमको होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, तो उन्होंने जैसे पानी का फार्मूला है H2O, वैसे आदर्श साधक का फार्मूला है नचिकेत। तब आपने कठोपनिषद पढ़ा है, तब समझा है, देखो। और उसमें नचिकेत को अग्नि कहा है, नचिकेत अग्नि। अग्नि क्या है,
कितना भी उसको नीचे दबा वो ऊपर को ही जाएगा। साधक कभी हारता नहीं, साधक कभी गलती भी नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गलती से सीखता है वो गलती नहीं है, वो उसका गुरु है। जितनी ज्यादा गलतियां करो उतने ज्यादा गुरु यदि सीखोगे तो। और गलती करते करते सीखते सीखते हम इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद गलतियां होना बंद हो गया। देखो, इसलिए यह जो दृष्टांत है, दृष्टांते रविना राम न अपूर्व अर्थ अवबुद्धते, जो तत्व का अनुभव है ये केवल दृष्टांत के द्वारा ही लगाया जा सकता है। यथा दीपम बिना रात्रौ भांडो स्पकरणम गृहे, ब्रह्मोपदेशे दृष्टांतो यतस यस्तवेह ही कथ्यते, एक देश समद्धर्त्वं तत्रांत परिगृह्यते। अब इसमें दूसरी महत्व की बात बता दें, दृष्टांत को कैसे समझना चाहिए। दृष्टांत को समझने के लिए कहते हैं ब्रह्मोपदेशे दृष्टांतो यहां तवेह ही कथ्यते। ये जो दृष्टांत दिया जाता है उसमें से जो एक भाग जिसके लिए वो दृष्टांत दिया गया है उतना ही ग्रहण करे, बाकी का नहीं। इसी को कहते हैं तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय माने ये बताने का क्या तात्पर्य था, क्यों बताया था। ये अंग्रेजी में कहो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो, हमने ये स्टोरी कई बार बताई है आप लोगों को। एक मेंढक जो एक कुएं में था और एक मछली जो समुन्द्र की थी। अब इनकी जो कहानी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसे तात्पर्य क्या करना है। जो व्यक्ति कूपमंडूक वृत्ति में फंसा है, जो छोटे दायरे में फंसा है, वो परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो व्यक्ति किसी एक छोटी चीज में फंसा है, समझो उदाहरण के लिए घुटने का दर्द, उसके लिए एक ही भगवान के सामने जब एक ही प्रश्न, भगवान घुटने का दर्द, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, फंस गया वहां। देखो, जो व्यक्ति छोटे दायरों में फंसा है उसको परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं हो सकती। इसीलिए इतना ही अर्थ हमको लेना है। वो तो अर्थ हम नहीं लेते, प्रश्न पूछते हैं फिर। वो जो मछली है वो कुएं में कैसी गई? अब ऐसे बेवकूफ को क्या उत्तर दे। जो व्यक्ति दृष्टांतों के माध्यम से समझ नहीं सकता उससे बात करना व्यर्थ है। इसलिए हमने पहले बताया था आपको, अपनी जो वेदांत का सत्संग है ये जिम है, ये हॉस्पिटल नहीं है, ना तो ये मंदिर है, ये जिम है। यहां केवल स्वस्थ लोग आते हैं। स्वामी जी मेरी लड़की मेरी बात नहीं मानती है। क्या? अच्छा, मैं मान लेता हूं, क्या करूं। तुमने कभी अपने माँ बाप की बात मानी थी? तो तुम्हारे जीन उसमें आए। ये जो कंप्लेन करने वाले होते हैं ना, इतना लगता है कि इतना साल उन्होंने सुना है सत्संग, क्या निकला उसमें से। ध्यान से सुनना, यदि आपका सत्संग परिपक्व हो गया हो तो यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यहा हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि मुक्तः यस्य च मे प्रियः। सभी चाहते हैं उसको। जैसे एक लोहे में यदि मैग्नेटिक एनर्जी मैनिफेस्ट हो गई तो कैसे पता चलेगा? अपने आप बाकी के
जो लोह के कण है उसको अपने आप खींच लेगा। मैग्नेट किसी को बुलाने नहीं जाता, यार मैं मैग्नेट हुआ आ जाओ ना दो चार बार, नहीं कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप खींचे जाते हैं। देखो, और इतने सालों तक सत्संग किया लेकिन हम बन जाते ह्यूमन ओडोमॉस, अरे आया भागो। तो क्या हमने सत्संग किया है? देखो एक बात सिंपल समझ लो, दुराग्रह और दुख किसी को अच्छे नहीं लगते। छोटी सी चीज में भी जब आप किसी की बात मानते नहीं हो तो बड़ी चीज मानोगे? देखो सब जो हम अपनी बैग उठा रहे हैं, नहीं 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 मैं उठाऊंगा, आप मत उठाओ, फिर हम किस लिए? नहीं मैं उठा लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं, नहीं नहीं हम आपके उठाएंगे। अब जो आदमी इतनी बात नहीं मानता उसको बताया तुम ब्रह्म हो, काहे के मजाक कर रहे हैं। देखो ये जो दुराग्रह है ना, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लक्षण है, और जितना आदमी का ये पर्सनालिटी ईगो स्ट्रांग होगा उतना आदमी दुराग्रही होगा, और ऐसे व्यक्ति के पास कोई नहीं जाना चाहता। केवल अपनी ही मनवाना, अपनी ही मनवाना, और वो उसको कहते प्यार है। अच्छा महाराज, तो ब्रह्मोपदेशे दृष्टांतो यतस्त्वेह ही कथ्यते एक देश सधर्मत्वम, तो उसमें से एक भाग जो है जो इस संदर्भ में उपयोगी है उतने को ही पकड़ लेना, बाकी के चक्कर में मत पड़ना। नो, उसका जो तात्पर्य वो नहीं निकल रहा है और अन्य चीजों में ही फंसे हैं। जैसा हम जो उदाहरण देते आपको कि आदमी और पति, इन दोनों में पति ये बनता है, आदमी होता है, तो पति तो बनावटी है, तो यदि बनावटी ही है तो पूरी बनावट रखो ना। तो पूरी बनावट क्या है? जब पत्नी बोलती है तो चुप रहो, जब वो चुप है तो शांत रहो, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि बनावटी है ना। बनावटी सच कैसा होगा? आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ मैं बनावटी हूं, असल में तो आदमी हूं। इसीलिए उपमेयस्य उपमान एक देशेन सधर्मता अंगीकार्या अवबोधाय धीमता निर्विवादना। तो उपमेय उपमस्य एक देशेन सधर्मता, जिसकी उपमा दी जा रही है, जैसे हम उपमा देते हैं कि तुम्हारा सौंदर्य चंद्रमा के जैसा है, तो उसमें से एक देशीय लेना, क्या कि चंद्रमा जैसा गोल है वैसे तुम गोल हो। तो उसमें जो काले दाग है उसको मत बताना, एक देश तो। जहां ये बात समझ में आएगी ना, देखो आपको एकदम सब क्लियर हो जाता है। जैसे एक ही वस्तु उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होती है, ये सिद्धांत है। एक ही वस्तु उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होती है, तो एक ही आदमी उपाधि के कारण पुत्र बनता है, पति बनता है और पिता बनता है। ये जो औपाधिक अनेकता है ये सत्य नहीं। इन सभी उपाधियों को आधार देने वाला जो एक अखंड अधिष्ठान है वो सत्य है। एक बार इसको समझ लिया तो फिर क्या करेंगे, ये जो औपाधिक अनेकता है उसको लेकर के सीरियस होना, दुखी होना बंद कर देंगे। और आप यदि इसके बारे थोड़ा चिंतन करो, जब जब आप दुखी हुए हैं उस समय आपने किसी औपाधिक व्यक्तित्व को सत्य मान के रखा है,
औपाधिक व्यक्तित्व एक थोड़े समय के लिए होता है। हम आदमी पूरे जीवन भर रहते हैं, लेकिन पुत्र, पति, पिता, भाई इत्यादि हमेशा नहीं होते। जो नित्य है उसको पकड़ो ना। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो उपमेयस्य उपमानात् एकदेशेन सदर्वता अंगीकार्या अवबोधाय धीमता। जो समझदार है उन्होंने ऐसा ही करना चाहिए निर्विवादिना। इसमें आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया भर के आर्गुमेंट इसी को लेकर के हमारा सीधा हिसाब होता है। हम इसीलिए ज्यादा बात भी किसी से नहीं करते। जो शुरू हो जाता है आर्ग्यूमेंट, अब क्या बोलना है, क्या पूछना है, या सत्संग में क्या सिनेमा की कहानी बता रहे नहीं, लेकिन मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। क्या पर्सनल बात करनी है? मेरा हस्बैंड है, मारो गोली यार। तुमने जब शादी करी थी मुझे पूछा था क्या? ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। इन सब चीजों का प्रभाव अंतकरण में वैराग्य का जागृति होना है। सो धीमता निर्विवादिना। हम एक आपको वास्तविक उदाहरण देते, हमेशा झूठ नहीं बोलते। एक अम्मा है और उसने अपने जीवन में खूब सेवा करी पति की, बच्चों की। बच्चा जरा फिजिकली चैलेंज है, सब सेवा करी। और जब पति महाराज रिटायर हो गए तब उन्होंने कहा, देखो मैंने आज तक आप सबकी सेवा करी है, अब मुझे अपने जीवन के जो सपने हैं वो पूरे करने दीजिए। और पति भी, अच्छा ठीक है करो, मैं सब देख लूँगा घर का। फिर उनके सपना यही था कि मैं जा करके किसी को मदद करूँ, हेल्प करूँ। और फिर उसने अकेली, कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे पीछे नहीं, अकेली जा करके शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे। अब उसको इतनी बिजी है, उसको मरने को टाइम नहीं। और कभी भी ना अपने बच्चों की बात करती है, ना पति की बात करती है, ना बहू की बात करती है, ना ग्रैंड चिल्ड्रन, कभी नहीं। एकदम जैसे उसको धुन चढ़ गई है। सुबह निकल जाती है 7-8 बजे, घर को आएगी शाम को 8 बजे, 2 मिनट में खाना खा के सो गए, फिर सुबह शुरू। तो बुढ़ापे में जाकर के ये आदमी या स्त्री क्या करती है? कंप्लेन, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो मैंने उनको पूछा कि महात्मा जी का क्या हाल है? बोले, स्वामी जी महात्मा जी को मैंने राइट ऑफ कर दिया, वो सुधर नहीं सकते, वो वैसे ही रहेंगे। अब इनके चक्कर में मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? देखो, तब जाकर के जीवन में परिपूर्णता आती है। एक देश समर्थत्वात् उपमेयावबोधनम् उपमानम् करोत्यंग दीपोर्थ प्रभया यथा। इसीलिए जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें केवल एक ही अंग जिसको लेकर के कंपैरिजन हो रहा है उसी को लेकर के समझना। कहने का तात्पर्य, यदि हम किसी भी विषय का शास्त्रों में जो तात्पर्य है उसको ठीक निकाल सके तो आपको एक निर्णय हो जाएगा। कौन सा निर्णय? पहली बात, कोई भी विषय ले लो शास्त्रों का, सृष्टि का निर्माण, जीव की गति, उपासना, भक्ति, कर्म, योग, इन सब का तात्पर्य केवल मैं को पहचानने में है। कैसे? ये उदाहरण हमने आपको दिया है। एक हमारे मित्र है विश्वनाथ। हमने उसके पत्नी को पूछा, आप विश्वनाथ को जानते हैं? हस्बैंड है यार, दूसरी बात करो। फिर उसके पुत्र को पूछा, विश्वनाथ को जानते हैं? यार हिटलर है ना, को नहीं जानता उनको। एक हमने वाराणसी के
विश्वनाथ भगवान के बाबा के भक्त को पूछा, हाँ बाबा विश्वनाथ को कौन नहीं जानता। एक व्याकरण वाले को पूछा, उसने विश्वनाथ को तोड़ फोड़ के रख दिया। जो विश्व का नाथ है, षष्ठी तत्पुरुष समास, समझ में नहीं आया। और अब उसको पूछा, विश्वनाथ मैं हूं ना, ये आपको भी होता है, ऐसी बात नहीं। जब मैं पति का एग्जाम्पल देता हूं तो आप आते हैं ऐसे मेरे बारे में बोलते हैं। जब पत्नी का एग्जाम्पल देते हैं तो देखो स्वामी जी, आप पत्नियों की हमेशा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए उड़ाते हैं कि आप हल्की फुल्की हो, भारी हो तो कौन उड़ाएगा। ऐसा गंभीर आनंद होकर के रहते हैं, ये अध्यात्म नहीं है। इसलिए एक देश समर्थत्वात् उपदेय अवबोधनम उपमानम करोत्यंग दीप अर्थ प्रभयायथा। जैसे ये पुष्प है, हाँ ये पुष्प है, अब ये पुष्प प्रकाश के द्वारा केवल इसका एक ही अंग प्रकाशित हो रहा है। कौन सा अंग प्रकाशित हो रहा है? इसका रंग क्या है, इसका आकार क्या है, और बाकी की जो अर्थ है, शब्द स्पर्श रस गंध, ये चार जो भाग है ये प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहे ना, तो हमको इतना ही लेना है। लेकिन हम ज्यादा ही शाहने बन गए तो प्रकाश के द्वारा पुष्प का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि प्रकाश के द्वारा केवल रूप रंग ही दिखता है और बाकी जो गंध इत्यादि है, ऐसे व्यक्ति को राम राम करके भाग जाओ। इसी प्रकार से जो उपमा दी जाती है, जो दृष्टांत दिए जाते हैं, उसको यदि हम ठीक से समझना सीख ले तो आपको शास्त्रों के अध्ययन में कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। देखो, लेकिन व्यक्ति फिर पहली बार एक तो पांडित्य में फंस जाता है, घटाकाश मटाकाश फटाकाश उसमें फंस गया है, उसमें निकलते नहीं। ये सब बातें समझाने के लिए होती है, समझेंगे तो नहीं। इसीलिए शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करना जिसको आया वही शास्त्रों के द्वारा लाभान्वित होता है, बाकी के लोगों को पीएचडी मिलती है। ये जो शास्त्रों में पीएचडी लेने वाले होते महा दुखी होते, उनका दुख एक ही है, स्वामी जी देखो ना ये जो लड़का है मेरे ही अंडर पीएचडी किया, फिर लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का है इसीलिए उसको प्रमोशन मिला, वो मेरे बॉस बन करके आया है, अब मैं क्या करूं। अच्छा आप किसके प्रोफेसर है? अद्वैत वेदांत। कैसा आदमी फंस जाता है इसमें, क्योंकि तात्पर्य निर्णय नहीं हुआ। ये जो पांडित्य है ये व्यक्ति को मार देता है। तात्पर्य निर्णय कर लो, देखो जीवन में सहज बात सब हो जाती है। हमने ये तात्पर्य निर्णय कितने प्रकार से बताया है, एक दो बताएंगे आपको। ये जो पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, इसका तात्पर्य निर्णय ये नहीं है कि हम पहले थे फिर मर गए फिर पैदा हो गए। तात्पर्य यही है कि पहले भी हम थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे, इसीलिए हमको मृत्यु नहीं, ये तात्पर्य है। और जिसके जीवन से मृत्यु का भय खत्म हो गया वो स्वर्ग में पहुंच गया जिंदा जी। न स्वर्गे लोके भयम किंच नास्ति, न तत्र त्वम न जरया विवेति। स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है, ये अनुभव विशेष है। और कौन सा अनुभव है? तत्र न त्वम न जरया विवेति, वहां हे मृत्यु देवता आप मृत्यु भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं, हमेशा जवान रहोगे। इसीलिए तात्पर्य निर्णय समझना बड़ा आवश्यक है। अच्छा महाराज, अब इसके बाद दूसरा बड़ा सूक्ष्म विषय आता है, इसीलिए
हमने ये जो युग वशिष्ठ लिया है ना, बाकी जगह में हम एक कोई कहानी ले लेते हैं और उसका हम विस्तार बता रहे हैं, यहाँ हम युग वशिष्ठ का जो दर्शन है उस पर चिंतन कर रहे हैं। कहानियां तो हम भी आपको बता देंगे, ये कहानी है, इसका ये अर्थ है, अब कब तक सुनते रहोगे। तो किस प्रकार से सिस्टमैटिकली वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सिखाया समझाया, और इसीलिए उनके जीवन में यह विवेक, यह ज्ञान, यह निष्ठा, ये जीवन मुक्ति प्रकट हो गई थी। और उसी के कारण जब उनको सिंहासन में बैठाने के लिए कहा तो फुदके नहीं, और जब जंगल में जाने को कहा तो रोए नहीं, यहां तक कि जब रावण को मारा तब भी उनके मन में रावण के प्रति द्वेष नहीं था। रावण को मारने के बाद भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को और विभीषण जी को, अब ये वैर जो था ये मरण के साथ खत्म हो गया, जाकर के तुम उनके अंतिम संस्कार करो। और फिर कहते जैसे रावण विभीषण का भाई है वैसे तुम्हारा भी है, ये केवल जीवन मुक्त पुरुष ही कह सकता है। देखो महाराज, इसीलिए यह जो योग वशिष्ठ है ना, इसका यदि अध्ययन करके व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो सब चीजें अपने आप ठिकाने पर लग जाती है। इस प्रकार से इसका जो दर्शन है ये हमको समझना है। इसके पश्चात यह जो ज्ञान हमको हो रहा है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। बोधाव बुद्धम यद वस्तु बोध एव तदुच्यते, नाबोधम बुद्धते बोधे वैरूप्यात्तेन नान्यता। अब इसका अर्थ और इसकी सूक्ष्मता हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।